हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजपूत राजवंशों के बारे में। तो पहला राजवंश है, सबसे प्राचीन राजवंश, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार राजवंश में पहला राजा था हरिश्चंद्र, उसके बाद नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज और उसके बाद मिहिरभोज। मिहिरभोज के टाइम पे सुलेमान यात्री आया था। दूसरा आता है चौहान राजवंश। राजवंश का आदि पुरुष चाहमान था। इनकी प्रमुख शाखाएं थी सांभर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालौर के चौहान जिन्हें सोनगरा भी बोलते हैं, और रणथंबोर के चौहान। संस्थापक था वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। उसके बाद 1105 ईस्वी के आसपास अजय राज था। उसके बाद 1133 में अर्णो राज। उसके बाद 1153 में विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव। उसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान, जिसने तारा है इनका युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा था। इसके साथ चंदबरदाई था इसके। इसके बाद 1301 ईस्वी में था हम्मीर चौहान, जिसने रणथंबोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अपोजिट में लड़ा था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी था। तो ये हो गया प्रतिहार व राजवंश, हो गया चौहान राजवंश, हो गया। तीसरा आता है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के इस आदि पुरुष गुहिल है, संस्थापक 566 ईस्वी में। प्रथम परम प्रतापी राजा बप्पा रावल था। इसके बाद प्रमुख राजा हैं राजा रतन सिंह, जिसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अपोजिट लड़ा था, जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया था, और इसमें गोरा बादल की अहम भूमिका थी। जो दो सेना थे, सेनापति थे गोरा और बादल, ने बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। इसके बाद 1326 ईस्वी में हम्मीर प्रथम जो है वो गुहिल राजवंश का शासक बना, जिसने सिसोदिया की स्थापना की और अपने नाम के आगे महाराणा की उपाधि धारण की। इसके बाद के सभी राजा राणा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 1382 में राणा लाखा आया था, जिसने राव रणमल की पुत्री हंसाबाई से विवाह किया था, और इसका पुत्र था राणा चूड़ा भीष्म। कहानी ये कि हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव राणा चूड़ा के लिए आया था, लेकिन राणा चूड़ा ने हंसाबाई ने राणा चूड़ा से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और राणा लाखा से विवाह किया था। इस पर राव रणमल की शर्त थी कि मेवाड़ का राजा राणा चूड़ा के बजाय हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो भी होगा वही बनेगा। तो हंसाबाई का पुत्र हुआ था 1421 में राणा मोकल। तो राणा चूड़ा ने राजपाट त्याग दिया था, इसलिए इसे भीष्म भी कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म था राणा चूड़ा। इसके बाद 1421 में राणा मोकल राजा बना, राणा लाखा का पुत्र। उसके बाद राणा मोकल का पुत्र राणा कुंभा राजा बना, जिसने 1437 में सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी के विरुद्ध लड़ा था, महमूद खिलजी को बंधक बना लिया था। इसके उपलक्ष्य में 1440 में चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। उसके बाद राणा कुंभा के पुत्र राणा सांगा ने बहुत सारे युद्ध लड़े, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, गागरौन का युद्ध। इनके युद्ध की डिटेल मेरे युद्ध वाले वीडियो में देखेंगे। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती थी, जिसने हुमायूं को राखी हुई जी थी। जब बहादुर शाह, गुजरात का जो बहादुर शाह था, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सुरक्षा के लिए याचना की थी। लेकिन हुमायूं ने एक मुगल शासक बहादुर शाह के विरुद्ध रानी कर्णावती का साथ देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद 1537 में राणा उदय सिंह राजा बना था। इसके दो प्रमुख सैनिक थे जयमल पत्ता, जिन्होंने 1567 के युद्ध में बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया था, जब अकबर ने चित्तौड़ पे कत्लेआम करवाया था। राणा उदय सिंह का ही भाई भोजराज था, जिसकी शादी मीराबाई से हुई थी। राणा उदय सिंह का ही भाई था दासी पुत्र बनवीर, जिसने राणा उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था, जिसमें पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राणा उदय सिंह को बचाया था। राणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में छिपा कर रखा था। इसके बाद 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, जिसमें अकबर का प्रतिनिधि मानसिंह राजा कछवाहा आमेर का। इस समय में बदायूनी भी अकबर की सेना के साथ में था।
भामाशाह नाम का आदमी था, मेवाड़ का व्यापारी था, जिसने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति मेवाड़ के हित में दान कर दी थी, इसलिए इसे महादानी भी कहा जाता है। के कर्ण के नाम से भी जाना जाता है भामाशाह को। इसके बाद 1652 में राजसिंह प्रथम राजा बना था, जिसने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था और दारा शिकोह के अपोजिट था। इसके बाद आता है तोमर वंश ने 1836 में दिल्ली का निर्माण करवाया था। इसके बाद 1052 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने आधुनिक दिल्ली का निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है भाटी राजवंश के राजा प्रमुख था महारावल जैसलदेव, जिसने 1156 में जैसलमेर का निर्माण करवाया था। 1187 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसे सोनार किला भी बोलते हैं। इसके बाद है एक परमार राजवंश, इसे पंवार भी बोलते हैं, धूमराज आदि पुरुष था, और इनकी शाखा थी आबुक्ष एक और एक मालवा के परमार। संस्थापक था परमार राजवंश का उत्पल राज प्रथम, और प्रमुख राजा है मुंज परमार 9वीं सदी का और भोज परमार। परमार राजवंश का राजा था भोज परमार, जिसने एक सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विश्वविद्यालय या भोजशाला नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद है चोलुक्य सोलंकी राजवंश, इसका एक प्रमुख राजा है कुमारपाल सोलंकी 1153। इसके बाद एक प्रमुख राजवंश है कछवाहा राजवंश आमेर का 1137 में दुल्हराय। इसके बाद भारमल राजा बना था, जिसने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया था और प्रथम राजपूत राजवंश की स्थापना करी थी। इसके बाद कछवाहा राजवंश का ही राजा है भगवान दास भारमल का पुत्र, इसने भी अपने पिता की भांति अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाया। भगवान दास का पुत्र था मान सिंह, जो अकबर की सेवा में था, और हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह युद्ध करने गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसके बाद राजा बना आमेरिया जयपुर का राजा बना मिर्जा राजा जय सिंह, जिसने अकबर की तरफ से शिवाजी के साथ पुरंदर संधि करी थी। इसके बाद राजा बना जयपुर का सवाई जय सिंह द्वितीय, जिसने जयपुर का स्थापना की, और इसमें प्रमुख शिल्पी था विद्याधर। और भी जैसे हुरडा सम्मेलन, बाजीराव के साथ संधि आदि कार्य सवाई जय सिंह के समय पे हुए थे। उसके बाद राजा बना सवाई मान सिंह, इस प्रकार ये प्रमुख राजा है। उसके बाद भी सवाई प्रताप सिंह वगैरह थे। अगला है राठौड़ राजवंश, तो प्रथम राजा था राव सिहा, उसके बाद राव चूड़ा। गुहिल वंश का राणा चूड़ा था, जो भीष्म के नाम से जाना जाता है, और राठौड़ में राव चूड़ा था। ये कन्फ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दे देते हैं बहुत सी बार, भीष्म किसे कहा जाता है, राव चूड़ा या राणा चूड़ा। राव चूड़ा के बाद नेक्स्ट राव रणमल, वही जो अभी बताया था अपन ने, राव राणमल, जिसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया था। इसके बाद राव जोधा राजा बना था, जिसने 1459 ईस्वी में जोधपुर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राव बीका बना था, जिसने 1465 में बीकानेर का निर्माण करवाया। इसके बाद राव मालदेव मारवाड़ का राजा बना, जिसने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध शेरशाह के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें शेरशाह के साथ में बदायूनी भी था। राव मालदेव की पत्नी उमादेव थी, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है इतिहास में, यह जैसलमेर के राव लूण कर्ण की पुत्री थी। इसके प्रमुख सेनक जेता कुंपा थे, और राणा उदय सिंह का गोगुंदा के किले में जो राज्याभिषेक करवाया था, उस समय राजा मालदेव भी इसके साथ में था। इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का शासक बना, जिसने अपनी पुत्री मानमती या जोधाबाई भी कहते हैं जिसे, उसका विवाह जहांगीर से करवाया था, और जिसका पुत्र शाहजहां था। इसके बाद जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक बना, जो भाई अमर सिंह के साथ नागौर के अमर सिंह के साथ मतिरे गिराड़ नामक युद्ध लड़ा। 1708 में अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना, जिसमें वीर दुर्गादास की अहम भूमिका थी, और औरंगजेब के खिलाफ छापामार युद्ध अपनाई थी अजीत सिंह ने।